बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सूरत से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये है कि सूरत में कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का जो भी लीगल प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं। इसको अलग अलग पार्ट में बांट करके मैंने वीडियो को बनाया हुआ है। कोशिश ये है इस सारे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब कुछ ठीक से पता चल सके। देखिए कोर्ट मैरिज करने के लिए दो प्रोसेस अपनाया जाता है। पहला ये होता है कि अगर आप अलग अलग रिलीजन में कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करिए, क्योंकि अलग धर्म में शादी करने के लिए SMA स्पेशल मैरिज एक्ट ही अप्रोप्रिएट है। कन्वर्जन करके भी होता है लेकिन ये पूरी तरह से पर्सन के विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फोर्सफुली शादी या किसी बैड इंटेंशन के लिए कन्वर्जन को कभी भी सही नहीं माना जाता है। तो अगर आपको शादी करना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो एक प्रोसेस है कि मैरिज कर लें और मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दें। मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हालांकि कोर्ट जो मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ सूरत में म्यूनिसिपलिटी में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए पहले आप मैरिज करेंगे मैरिज के डॉक्यूमेंट्स के साथ म्यूनिसिपलिटी में सूरत में आप अप्लाई करेंगे और फिर आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वहीं अगर इंटर रिलीजन करना है तो आपको कोर्ट में जाना है और कोर्ट में जाके करना है। SDM कोर्ट होता है जहां पे अप्लाई करेंगे और आप वहां पे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर पाएंगे। विदाउट रिचुअल परफॉर्म किए हुए शादी ये हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को होने में हफ्ते से एक महीने का टाइम रजिस्ट्रेशन में लगता है और SMA के अंदर इस प्रोसेस को पूरा होने में 30 से 60 दिन का समय लगता है। बाकी डॉक्यूमेंट और चीजों को जानने के लिए आइए आगे वीडियो को देखें। दोस्तों अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका ID प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर ID हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर ID कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही
लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।